Quickly, we are um, going to study a concept that is a smaller, a short concept methods of entry into the international market. There are a few methods that we know that uh, methods of entry to the new market. First of all, the most famous method is exporting the products. वट वी कैन डू हम अपने मुल्क में बैठे हैं वहाँ हम अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी लोकल कंडीशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो वी कैन फाइंड आउट फॉरन कस्टमर्स फ्राम दी अदर कंट्रीज एंड वी कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट टू दो उसमें हम ई e कॉमर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जनरली और अदर टेक्निक्तेमाल कर सकते हैं सेल करने के लिए समस्पोर्टिंग uh, डायरेक्टली भी होती है कंज्यूमर और समायरेक्टली भी होती है ट्रेड एजेंसीज इसके फायदे और नुकसान भी हैं अभी थोड़ी देर में हम उस पर भी बात करते हैं दूसरा मेथड जो हम यूज कर सकते हैं वो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग है फ्रेंचाइज वी ऑलरेडी नो कि हम किसी और बिजनेस को लाइसेंस दे देते हैं टू यूज द नेम एंड स्टाफ सो दैट बिजनेस कैन यूज आर नेम और अच्छी तरह बिजनेस कर सके मैकडोनल्ड और पासकन uh, रॉबिन uh, और दीज बी थीज पिजा हर्ट बहुत दुनिया की मशहूर फ्रेंचाइज हैं कार्फर uh, मिसाल के तौर पर रिटेल स्टोर में ये बहुत फेमस फ्रेंचाइज हैं और ये पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को इसी तरह स्प्रेड करती हैं और इनके फायदे और नुसाना बहुत सारे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द्रेंचाइज तो इन्वेस्टमेंट uh, जाहिर है फ्रेंचाइज ही कर रहा होगा एज अ फ्रेंचाइजर अगर हम देखें

ज्वाइंट uh, वेंचर में फायदा ये है कि आपको एक तो uh, आपको मिल जाता है शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी फिर uh, जो दूसरे बिजनेस है उसके कस्टमर्स आपके साथ शेयर हो जाते हैं और उसके जो है वो uh, uh, जो कॉस्ट्स हैं वो भी आप उसके साथ शेयर कर लेते हैं वी कैन डू लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग इज वॉट लाइसेंसिंग अलाउज एन अदर बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री टू प्रोड्यूस दी ब्रांडेड गुड्स और पेटेंट प्रोडक्ट्स अंडर लाइसेंस हमने उन्हें प्रोडक्शन करने का लाइसेंस दे दिया वो हमारे नाम पे आ, वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं आ, इसमें हमें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उनके लिए बनाने पड़ेंगे बिकॉज क्वालिटी का बहुत बड़ा मसला आता है आ, जारा बहुत लाइसेंसिंग यूज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एक वक्त था जब लारा जारा जिस कंट्री से बिलोंग करता है सारी प्रोडक्शन वहाँ पे होती थी अब जारा हैज़ मूव टू दी अदर कंट्रीज और वहाँ पे लाइसेंस दे रखे हैं उसने दूसरे लोग उसके बिहाफ पे प्रोडक्शन करते हैं और इवन जो अब उसका तो ये है कि और जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहां पे कम प्रोडक्शन है और पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट हो रही है वो दूसरे कंट्रीज से हो रही है वहां उनको लाइसेंस जिन जिन लोगों को दिया हुआ है वो प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी दुनिया में बेचते भी हैं ओके okay. लाइसेंसिंग uh, की अगर हम बात करें तो फायदे इसके काफी हैं uh, हमारी कैपिटल कॉस्ट सेव होगी दूसरे बिजनेस ने बिजनेस करना शुरू किया उसके बिहाफ पे हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन इसके साथ भी कुछ लिमिटेशंस इन्वॉल्वड विल विल सेपरेटली लुक एट दोस भी फिर हम व्हाट वी कैन डू हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरिन सब्सिड्रीज हम सब्सिडी किसे कहते हैं सब्सिडी इज अ डॉटर कंपनी जब हम किसी कंपनी के फिफ्टी परसेंट के उससे ज्यादा शेयर बाय कर लेते हैं तो इट बिकम सब्सिडरी ऑफ दी ओरिजिनल कंपनी तो पेरेंट कंपनी वो होती है जिसने उससे उसके शेयर डॉटर कंपनी उसके बाय किए होते हैं ओके सब्सिडरीज कैन बी फैक्ट्री सेटअप इन फॉरेन कंपनीज फॉर एग्जांपल इसकी बहुत एक मशहूर एग्जांपल है ट्वेटा जो है यूरोपियन यूनियन और साउथ अमेरिका में इसी तरह से चलता है रिटेलिंग कंपनी टेस्को जो है वो भी सब्सिडरीज बाय करती है थाईलैंड और चाइना में उसने बहुत ज्यादा बाय की हुई है तो इनको हम यूजली सब्सिडीज आर बहुत इनको हम कर देते हैं डिसेंट्रलाइज कर देते हैं और ये वहाँ के अपने डिसीजन मेकिंग खुद ही लेती हैं और उन उनपे काम करने की कोशिश करती हैं तो दीज आर फ्यू वेज अबाउट मोस्ट अफ बी टॉक अबाउट कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं दीज आर फ्यू वेज ऑफ एंट्रिंग टू दी इंटरनेशनल मार्केट और इन तरीकों से हम बड़ी कंफर्टेबली इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो सकते हैं